नमस्कार दोस्तों, एज एन असेसी यदि आपको कोई कैपिटल गेन होता है, यानी आपको किसी संपत्ति को बेचने से कुछ कैपिटल गेन रिसीव होता है जो इनकम टैक्स में टैक्सेबल है, और थोड़ा और स्पष्ट रूप से बोलूं कि आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ जिस पर आप टैक्स बचाना चाहते हैं, तो आपके समक्ष इस कैपिटल गेन पर टैक्स को बचाने के लिए कुछ विकल्प इनकम टैक्स एक्ट 1961 देता है। और दोस्तों, इन्हीं विकल्पों में से एक सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है सेक्शन 54EC, जिसके अंदर कुछ बॉन्ड खरीदने पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एग्जम्पशन मिलती है। तो ये कैपिटल गेन की एग्जम्पशन क्या है, इसे कैसे अवेल किया जा सकता है, इसकी क्या लिमिट्स हैं, इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, ये सब बिंदु लेकर के मैं आज की इस वीडियो से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। तो दोस्तों, कवरेज के रूप में एक बार पुनः आपके सामने मुख्य बिंदु रखता हूं। हु मे क्लेम एग्जम्पशन, ये जो सेक्शन 54EC, ये वीडियो में मैं स्पेसिफिकली सर सेक्शन 54EC की एग्जम्पशन ही डील कर रहा हूं, और किसी सेक्शन पे मेरा ध्यान यहां पर नहीं है। नेचर ऑफ कैपिटल गेन कवर्ड, कौन से कैपिटल गेन के लिए सेक्शन 54EC में एग्जम्पशन मिलती है, कौन इस कैपिटल गेन की एग्जम्पशन को ले सकता है, इस कैपिटल गेन की एग्जम्पशन के लिए मैक्सिमम लिमिट कोई है तो वो कितनी है, न्यू एसेट टू बी एक्वायर्ड कि ये जो सेक्शन 54EC ऑफ इनकम टैक्स लॉ है वो आपको कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए कौन सी नई एसेट खरीदने के लिए कहता है, टाइम पीरियड ऑफ एक्वायरिंग न्यू एसेट, आपको नई संपत्ति कितनी अवधि के अंदर खरीद लेनी है एज पर लॉ, आप जो इंटरेस्ट कमाते हैं जो सेक्शन 54EC में दोस्तों बॉन्ड लिए जाते हैं उनका क्या ट्रीटमेंट होगा, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो के थ्रू आपके समक्ष रखता हूं। तो दोस्तों, शुरुआत कर रहा हूं हु मे क्लेम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54EC, क्योंकि ये सबसे पहला पॉइंट है कि हम क्या सेक्शन 54EC के एग्जम्पशन लेने के लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं, एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल करके आई सर कि यदि आप एक पार्टनरशिप फर्म है, आप एक कंपनी है, तो आप कैपिटल गेन की एग्जम्पशन जो सेक्शन 54EC में दे रखी है लॉ ने, वो लेने के लिए हकदार नहीं है। केवल एक इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ही दोस्तों सेक्शन 54EC की एग्जम्पशन ले सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों नेचर ऑफ कैपिटल गेन कवर्ड, कि कौन सा कैपिटल गेन हो कि आप सेक्शन 54EC की एग्जम्पशन ले पाए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, कि आपने कोई जमीन बेचने से या आपने कोई बिल्डिंग बेचने से या दोनों बेचने से कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया हो, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रियल एस्टेट के लिए क्या होता है, यदि कोई रियल एस्टेट आपने 2 साल से ज्यादा होल्ड रख करके, यानी आपके ओनरशिप में कोई रियल एस्टेट 2 साल से ज्यादा होल्ड की हुई थी, आपने उसको बेचा आज की डेट में और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, आप उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एग्जम्पशन के लिए सेक्शन 54EC की एग्जम्पशन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आप एक इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो। अब अगला क्वेश्चन आया दोस्तों कि लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एग्जम्पशन, कि कैपिटल गेन की एग्जम्पशन की मैक्सिमम अमाउंट क्या है। मैक्सिमम रीइन्वेस्टमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹50 लाख इज अलाउड अंडर सेक्शन 54EC। अब आप कहेंगे अनूप जी, इस बात को एक उदाहरण से रखिए तो शायद मुझे ज्यादा अच्छा क्लैरिटी से बात समझ में आए। मान लीजिए सर, एक मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने एक संपत्ति 90 लाख रुपीज की बेची जिसकी इनको कॉस्ट थी 30 लाख रुपीज, से इंडेक्स कॉस्ट मान लेते हैं। अब इन सज्जन के पास में सर 60 लाख रुपीज का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अब ये मिस्टर एक्स चाहते हैं कि मुझे इस 60 लाख रुपीज पर टैक्स ना देना पड़े, तो इसके लिए वो सेक्शन 54EC के बॉन्ड का ऑप्शन एक्सप्लोर करना है। अगर वो सेक्शन 54EC का बॉन्ड लेना चाहते हैं सर, तो वो 50 लाख रुपए का बॉन्ड ले सकते हैं अंडर सेक्शन 54EC। हालांकि इस केस में फिर भी उन्हें 10 लाख रुपए के बैलेंस कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ सकता है, या उस 10 लाख रुपए के लिए भी कैपिटल गेन एग्जम्पशन वो किसी और सेक्शन में ले सकते हैं। लेकिन यदि मिस्टर एक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54EC लेना चाहते हैं, तो उन्हें यह बात ध्यान रखनी होगी कि मैक्सिमम रीइन्वेस्टमेंट, मैंने रीइन्वेस्टमेंट वर्ड क्यों यूज किया यह बात जरा ध्यान से समझिएगा सर, कि होता क्या है दोस्तों, इनके पास में आया 90 लाख रुपीज। 90 लाख रुपीज को हो सकता है मिस्टर एक्स सोचते कि मैं तो पूरा ही अपनी मर्जी से बांट दूं, खर्च कर दूं,
लेकिन अगर उन्हें कैपिटल गेन की एग्जम्पशन लेनी है तो उन्हें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो प्रिस्क्राइब्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ सेक्शन 54EC मैक्सिमम 50 लाख, मिनिमम 10,000 भी हो सकता है। 10,000 में क्यों बोला सर? क्योंकि बॉन्ड जो खरीदे जाते हैं उनका मिनिमम अमाउंट 10,000 का है। तो आप 10,000 से लेकर 50 लाख रुपए तक की राशि इन्वेस्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 54EC टू क्लेम एग्जम्पशन। सो सीधे सीधे शब्दों में अगर बात करूं कि 50 लाख रुपए प्रेजेंट केस में दोस्तों इन्वेस्ट करें, 20% का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स लगता था, तो 50 लाख इन्वेस्ट करने से इन्हें कितना टैक्स बच गया सर? 10 लाख रुपए। तो एसएससी को कॉल लेना है कि क्या उन्हें सेक्शन 54EC में इन्वेस्ट करना है प्रेजेंट केस में या नहीं। आइए दोस्तों अब इस बात का उत्तर जानते हैं कि जो नई एसेट आप सेक्शन 54EC में खरीद रहे हैं उसका नेचर क्या होता है, वो एसेट होती क्या है। तो आपने एज एन इंडिविजुअल या HUF बेचा रियल एस्टेट, जो चाहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, और आपने इन्वेस्टमेंट किधर किया? इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड किसके होंगे सर? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के, या अदर बॉन्ड जिसे भारत सरकार नोटिफाई करे, से फॉर एग्जाम्पल पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्सेट्रा। तो बड़ी क्लियर बात निकल करके आती है कि एज एन इंडिविजुअल या HUF आप बेच रहे हैं रियल एस्टेट, जो चाहे रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, चाहे मकान हो या जमीन हो, और उसे बेच करके जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, मैक्सिमम 50 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में लगाना है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि क्या हम एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं क्या इनका, 1, 2, 3 या 4 का? यस सर, इट कैन बी ए कॉम्बिनेशन, या आप किसी एक में भी इस पैसे को लगा सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर लोग थोड़ा सा स्किप कर जाते हैं और वो फिर उन्हें बाद में मालूम होता है कि हाँ साहब 54EC का मैं एग्जम्पशन ले सकता था पर मैं ले ही नहीं पाया। क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि देर इज अ टाइम पीरियड ऑफ एक्वायरिंग न्यू एसेट। न्यू एसेट क्या है सर? बॉन्ड्स। आपको जो बॉन्ड लेने हैं अंडर सेक्शन 54EC, उन्हें खरीदने की एक समयावधि लॉ में दी गई। अब ये समयावधि क्या है सर? ये समयावधि है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिलेवेंट एसेट। से फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कोई पर्टिकुलर एसेट 31 मार्च 2022 को बेची। अब ये एक लैंड थी जहां पर मुझे 35 लाख रुपीस का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। ये एक रियल एस्टेट थी। मुझे लगा कि हाँ, रादर देन इन्वेस्टिंग इनटू अ न्यू प्रॉपर्टी आई मे थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू अ बॉन्ड, ताकि मुझे कुछ ब्याज आ जाए और मेरा पैसा एक सर्टेन पीरियड बाद लिक्विडेट भी हो जाए। ये बात ध्यान रखनी है कि यहां पर 5 साल का एक लॉक इन पीरियड इन बॉन्ड्स का रहता। तो मैंने 35 लाख रुपए का ये जो इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों, विद इन 6 मंथ करना है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी मेरे को 30 सितंबर 2022 तक प्रिस्क्राइब बॉन्ड्स खरीद लेने। यदि मैं इस डेट तक बॉन्ड नहीं खरीद पाया तो मैं 54EC के लिए एलिजिबल नहीं हूं कि मेरा ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट माना जाए। तो आपको ये 6 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है यदि आप इस सेक्शन में एग्जम्पशन लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम के। सेक्शन 54EC में हमने बॉन्ड ले लिया किसी रियल एस्टेट को बेच करके, अब हमें इंटरेस्ट की कमाई होगी। तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है सर कि यदि आपका इन्वेस्टमेंट 31 मई तक हो गया तो आपको सेम ईयर में, जैसे इस वित्त वर्ष 22-23 में, अगर मैंने 31 मई तक इन्वेस्टमेंट कर दिया बॉन्ड में, और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि वहां पर मेरे को वो पर्टिकुलर अमाउंट मेरी ओर से क्रेडिट हो जाना चाहिए, मेरी ओर से मेरे खाते से अमाउंट डेबिट होकर के रिलेवेंट बॉन्ड वाली कॉरपोरेशन में, कंपनी में क्रेडिट हो जाना चाहिए। यदि 31 मई तक क्रेडिट हो गया तो सर 30 जून से मुझे ब्याज मिलेगा। 31 मई के बाद मेरा अमाउंट क्लियर हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में अगले साल के 30 जून से मुझे ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो ब्याज मिलता है इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है सर कि इंटरेस्ट इनकम जो एसएससी को होती है वो एसएससी को ऑफर करनी होती है एक्रूअल या कैश बेसिस पर, जो भी वो मेथड ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्ट करें उसके अनुसार, अदर सोर्स की इनकम के रूप में, अदर सोर्स इनकम हेड के रूप में। एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये इंटरेस्ट सर साल में एक ही बार भुगतान होता है और विदाउट TDS होता है। आप कह सकते हैं कि अनूप जी क्योंकि ये विदाउट TDS है तो ये अमाउंट टैक्सेबल ही नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है सर। ये जो बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट दिया जाता है उसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन के थ्रू TDS की एग्जम्पशन दी है, पर इनकम टैक्स से एग्जम्पशन नहीं। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति को साल में 50 लाख रुपए पर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 5% की रेट से ब्याज आया, से फॉर एग्जाम्पल 2,50,000 रुपीज, तो ये 2,50,000 रुपए उनके पास विदाउट TDS आएगा।
पर ये 2,50,000 उनकी टैक्सेबल इनकम में जरूर जुड़ेगा। अब मैं मान लेता हूं कि उन सज्जन की अदरवाइज टोटल इनकम 10 लाख थी, तो ये जैसे ही 2,50,000 रुपए उनकी इनकम में जुड़ेगा, फर्दर उनको 75,000 रुपीज का टैक्स 30% की रेट की वजह से देना पड़ सकता है। तो ये क्लैरिटी भी हमें यहां लेके चलना है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों जो सेक्शन 54EC से बिलोंग करते हैं, पर्टेन करते हैं। वन, कैन बॉन्ड्स बी ट्रांसफर्ड बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड? क्या मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने से पूर्व इन बॉन्ड्स को ट्रांसफर किया जा सकता है? नहीं सर, ये बॉन्ड्स नॉन ट्रांसफरेबल हैं। हाँ, यदि जिस व्यक्ति ने बॉन्ड खरीदे उनका मृत्यु हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो उनके को डिपॉजिटर हैं या जो उनके नॉमिनी हैं उनके नाम पर यह ट्रांसमिशन किया जाएगा। कैन लोन फैसिलिटी बी अवेल अगेंस्ट द बॉन्ड परचेज अंडर सेक्शन 54EC? मैंने बोला दोस्तों आपको ये जो बॉन्ड्स आते हैं इनका एक लॉक इन पीरियड है 5 साल। तो 5 साल की अवधि में ना तो आप इसको बुना सकते हैं, ना आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, और जो आप इस पर मान लीजिए इसको किसी प्रकार से हाइपोथिकेट करके लोन लेना चाहें तो सर लोन की फैसिलिटी भी इन बॉन्ड्स पर उपलब्ध नहीं होती। मिनिमम बॉन्ड डिनोमिनेशन इज ₹10,000 एंड मैक्सिमम 500 बॉन्ड्स यानी 50 लाख रुपए आप इतने का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड में कर सकते हैं। तो दोस्तों सेक्शन 54EC से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रस्पेक्टिव थे वो मैंने आपके सामने रखे। मैं पुनः संक्षिप्त करता हूं कि सेक्शन 54EC का बॉन्ड एक इंडिविजुअल या HUF चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो उन्हें लेने का ऑप्शन है, प्रोवाइडेड उन्हें रियल एस्टेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। मैक्सिमम रीइन्वेस्टमेंट जो यहां किया जा सकता है वो कैपिटल गेन अमाउंट का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अमाउंट का किया जा सकता है, वो 50 लाख रुपए का होगा। ये जो बॉन्ड है दोस्तों ये लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं। लॉक इन पीरियड प्रेजेंटली 5 ईयर्स है। 1 अप्रैल 2018 से पहले ये लॉक इन पीरियड 3 साल ही हुआ करता था, पर प्रेजेंटली लॉक इन पीरियड 5 साल है। इस 5 साल की अवधि में आपको जो ब्याज ड्यू होगा वो आपको अपनी अदर सोर्स की इनकम के रूप में ऑफर करते रहना है, चाहे TDS ना भी कटे तो भी। सो आई होप माई डियर फ्रेंड्स थ्रू दिस वीडियो मैंने आपके सामने 54EC से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें रखी जो आपके लिए कारगर सिद्ध होंगी, आपकी टैक्स प्लानिंग में काम आएंगी। और यदि आपके कोई और क्वेरीज हो तो आप मुझे लिख सकते हैं जिनका उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।